answering a question on a multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. ध्यान से देखना, एक multiple choice test का question का answer देने time student answer या तो जानता है, knows, या वो guess करता है. या तो वो answer जानता है या फिर वो guess करता है answer. तो let 3/4 be the probability that he knows the answer. वो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/4 प्रोबेबिलिटी के वो गैस करेगा, तुक्का मारेगा. अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट. और अगर ये माना जाए कि अगर कोई स्टूडेंट जो तुक्का मार रहा है उसको और उसका क्वेश्चन सही हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली. तो पहले लास्ट की लाइन पे फोकस किया करो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर. ये तो H1 या H2 में से कोई एक होगा, और जो गिवन होता है वो A होता है, और गिवन दैट उसका जो आंसर था वो करेक्ट था, ये A हो जाएगा. आंसर करेक्ट है, ये A इवेंट होगा, और वो जानता था, इसको H1 मान लो, फिर H2 होगा कि वो गैस. दो ही बात है, या तो क्वेश्चन का आंसर जानता है या वो गैस करता है. तो कैसे लिखेंगे क्वेश्चन में गैस? तो लेट H1 बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट नोज द आंसर, नोज द आंसर. तो आंसर वो जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 साल दे रखी है, 3/4. समझ आ रहा है? आंसर जानने का 1/4 नहीं, 3/4 नोज द आंसर. नहीं देखो ना, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स इट. तो या तो आंसर जानता है, और जानता नहीं तो तुक्का मार रहा है. तो दूसरा, लेट H2 बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट गेट्स इट एट द आंसर, तुक्का मार रहा है, गैस करता है मतलब एट द आंसर, आंसर गैस करके पता लगा रहा है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 1/4. अच्छा, जो इवेंट दिया था उसको ए मानते हैं, उसका आंसर सही हो गया है, उसने एक क्वेश्चन का एमसीक्यू का आंसर दिया, सही हो गया है. अब प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि सही तो वो तुक्का मार के भी हो सकता था, और जानता था तो भी हो सकता था. तो प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि उस क्वेश्चन का जो आंसर दिया था वो तो सही था, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जानता था, और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसने गैस किया था. समझना, दो तरीके से क्वेश्चन सही हो सकता है, जानता था और गैस करता था. प्रोबेबिलिटी किसके निकाल लिए, वो जानता था, है ना, गैस जानता, जानता ये लिखा ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर, है ना, H1 भाई ये निकालना होगा. पहले तो ए लिख लेते हैं, दैट ए बी द इवेंट ऑफ ही आंसर्ड करेक्टली, ही आंसर्ड करेक्टली, उसने आंसर जो दिया है वो सही दिया है. ठीक है, अब आपको निकाला गया इस क्वेश्चन में, आंसर करेक्ट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो जानता था. अगर वो कहता प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसने वो गैस किया था, H2 by होता, क्योंकि H2 वाले को आपने गैस करने का माना है. अगर गैस करने वाला ये तो समझ गया ना, जिस ऑर्डर में मानोगे उस ऑर्डर में निकालना होगा. तो फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 A/H1 अपॉन H1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/H1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/H2. अभी तो 3 ओवर का नहीं, अगला मैं 3 इवेंट वाला कराऊंगा. ठीक है, अब देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/H1, आवाज नहीं, इसका मतलब है, जब भी सोचो ना इससे पहले सोच लिया कोई है क्या, A/H1 का मतलब, H1 का मतलब क्या, जो दिया है H1 है कि वो आंसर जानता था और उसका आंसर करेक्ट हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में देनी है. A/H2 भी दी है, वो H2 मतलब वो क्वेश्चन में गैस कर रहा है, और A का मतलब उसका आंसर सही हो जाए. तो साथ साथ लिखा है, assuming that student who guesses at the answer, वो आंसर गैस करे और उसका सही हो जाए, गैस करे और उसका आंसर सही हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. यहाँ तो समझ में आया. अब इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, अगर ये नहीं दिया तो क्वेश्चन भी नहीं होगा. तो कोई मुझे बताए क्या है, अगर जानता है तो सही 1 होगा, 3/4 कैसे होगा? अरे भाई आंसर जानता है तो सही होगा ना उसका आंसर, नहीं समझ में आ रहा,
अगर वो जानता है इसीलिए उसने दिया क्वेश्चन में, ये चीज नहीं थी कि वो समझता तुम आता है, पर उन्होंने समझा तुम तो भौंका हो। ए बाई एच वन का मतलब हुआ कि एच वन आंसर वो जानता है, ए आंसर में जानता है तो उसकी सही और इक्वलिटी क्या है, वन आंसर जानता तो सही करके आएगा। एक ही क्वेश्चन करे, एमसीक्यू है, आंसर जानता तो गलत क्यों करेगा भाई, ठीक है ना, इसलिए इसकी इक्वलिटी नहीं थी क्योंकि अंडरस्टूड है, अगर वो आंसर जानता है तो ठीक ही तो करेगा, इतना बड़ा पागल तो है नहीं। और फिर हम तो ये मान के चले जो इसके चांसेस ज्यादा है, तो अगर आंसर जानता है उसके सही होने की इक्वलिटी क्या होगी, वन, इसीलिए नहीं दी हुई। क्लियर, समझ आ रहा है, ये दी नहीं थी, ये अंडरस्टूड, आंसर जानेगा तो करेक्ट होने की इक्वलिटी क्या है, 100% यानी कि वन। अब वैल्यू पुट कर दो, एच वन 3/4 इंटू वन, 3/4 इंटू वन प्लस 1/4 इंटू 1/4। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है नीचे 16, यहाँ पे नहीं कटेगा, 16 आ रहा है ना, तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा, 12, यहाँ पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 16/13, उल्टा हो जाएगा ना, 4 4 16, आंसर आएगा 12/13। कोई प्रॉब्लम?